हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन किया है, तो आइए देखते हैं आपके लिए आज का पहला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में सिंहवाले शेरों का नृत्य होता है? आपके ऑप्शन है अ भीलवाड़ा, बी उदयपुर, सी कोटा, डी प्रतापगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ भीलवाड़ा। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध शंकरिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अ कालबेलिया, बी भील, सी जसनाथी, डी सहरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ कालबेलिया। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? आपके ऑप्शन है अ गरबा, बी घूमर, सी भांगड़ा, डी गे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घूमर। आपके लिए अगला प्रश्न है, होली के अवसर पर राजस्थान के नाथद्वारा में पुरुष और महिला द्वारा युगल रूप से किए जाने वाले नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अ पनिहारी, बी द्विचक्री, सी दांग, डी गींदर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दांग। आपके लिए अगला प्रश्न है, दीपावली के शुभ अवसर पर किया जाने वाला पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है अ मेवाड़, बी बागड़, सी उदयपुर, डी मेवाड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बागड़। आपके लिए अगला प्रश्न है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है अ मेवाड़, बी हरोती, सी मारवाड़, डी बागड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ मेवाड़। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है अ भील, बी मीना, सी गुर्जर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुर्जर। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अ घूमर, बी परिहारी, सी गैर, डी गीदर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैर। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का शंकरिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अ सहरिया, बी भील, सी गुर्जर, डी कालबेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कालबेलिया। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जा है? आपके ऑप्शन है अ गैर, बी परिहारी, सी कच्ची घोड़ी, डी कथक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा नहीं किया जाता? आपके ऑप्शन है अ शंकरिया, बी चक्री, सी परिहारी, डी चली। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी चरी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भील समुदाय का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? आपके ऑप्शन है अ गवरी, बी तमाशा, सी सम्मत, डी स्वांग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ गवरी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है अ चंद, बी कच्ची घोड़ी, सी चरी, डी गैर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चरी नृत्य। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में संगीत के लिए किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है अ परिहारी, बी तेरहताली, सी वानर, डी चंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वानर। आपके लिए अगला प्रश्न है, थकना शैली का संबंध किस नृत्य से है? आपके ऑप्शन है अ ढोल, बी शंकरिया, सी चंग, डी भवाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ ढोल। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है अ गे नृत्य, बी चरी नृत्य, सी तेरहताली नृत्य, डी आग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चरी नृत्य। आपके लिए अगला प्रश्न है, वानर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है आ सहरिया, बी भी, सी गरासिया, डी गुर्जर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गरासिया। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध तेरहताली नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है आ भी, बी कामण, सी शंकरिया, डी गुर्जर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कामण। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है अ लूर, बी तेरहताली, सी गरबा, डी वानर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ लूर। आपके लिए अगला प्रश्न है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है अ शेखावटी, बी दान, सी मेवार, डी आदिवासी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आदिवासी।